हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कंटिन्यूअस कल्चर। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि फेड बैच कल्चर क्या होता है, और उससे पहले कैटाबोलाइट रिप्रेशन और सबस्ट्रेट इनहिबिशन के बारे में भी डिस्कस किया था। जिन लोगों ने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी वो पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लें, तो ये टॉपिक समझना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कंटिन्यूअस कल्चर नाम से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस मतलब लगातार होता है, लगातार। तो अगर आपको याद होगा कि हम लोग फेड बैच कल्चर या जब बैच कल्चर थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि बैच कल्चर में एक बार आपने चीज़ें लोड कर दी, सबस्ट्रेट लोड कर दिया, या जो भी आप चीज़ें मीडियम यूज़ कर रहे थे वो आपने लोड कर दिया, तो फाइनली जब एक्सपेरिमेंट ओवर होता है तभी उसको वापस अनलोड या निकाल सकते हैं वापस। बट कंटिन्यूअस कल्चर में क्या है कि आप फ्लो रेट की हेल्प से चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि जिस रेट से आप लोडिंग कर रहे हैं मीडियम की, उसी रेट से आप, उसी फ्लो रेट से आप जो एफ्लुएंट है या जो चीज़ें आपको निकालनी है वो निकालेंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यूअस कल्चर बोलते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए इसको शुरू करते हैं। पर्पस, सबसे पहले पर्पस देखते हैं। पर्पस, या इसको हम एडवांटेजेस के तौर पे भी ले सकते हैं। देखिए कि फेड बैच कल्चर या बैच कल्चर में कुछ कमियां रही होंगी या उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसे चाहिए होंगे कि जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअस कल्चर जो है वो सक्सेसफुल रहा। इसके क्या क्या इसकी खासियतें हैं सबसे पहले वो देखते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रोथ फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। कभी कभी क्या होता है कि जो भी हमें प्रोडक्शन करना है फर्मेंटर के अंदर, वो बहुत दिन का जो एक्सपेरिमेंट है वो काफ़ी लंबा एक्सपेरिमेंट है, और उसमें जो माइक्रोब्स हैं उनको काफ़ी दिन तक हमें ग्रो करवाना है, तो इसीलिए तो उस केस में हमें ये कंटिन्यूअस कल्चर यूज़ करना होता है। यहाँ पे एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए जो आपका फर्मेंटर है वो काम करता है, बहुत काफ़ी लंबे समय तक काम करता है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे इसके साथ ये आती है कि आपको उस फर्मेंटर के अंदर बराबर स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करके रखनी पड़ती है। स्टेराइल से मेरा मतलब ये है कि और भी कोई भी और माइक्रोब जो है वो उसके अंदर ग्रो ना करने पाए, सिर्फ और सिर्फ जो आप चाहते हैं वही चीज़ें ग्रो करें। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम लंबे ड्यूरेशन के दौरान इसको ग्रो करवाने के लिए एक प्रॉब्लम जो सामने आती है वो है स्टेरिलिटी। आपको स्टेराइल कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इसकी एक सबसे बड़ी, सबसे खासियत क्या है कि यहाँ पे कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट रहती हैं थ्रू आउट द जो एक्सपेरिमेंट का पीरियड होता है उसमें कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट बनी रहती हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, आपने जब, अगर मेरा पुराना एक वीडियो मैंने स्टडी स्टेट के ऊपर भी बना रखा है कंटिन्यूअस कल्चर में स्टडी स्टेट कैसे मेंटेन रहती है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हम कंटिन्यूअस कल्चर को हमेशा ही लॉग फेज में रखने का प्रयास करते हैं। कि लॉग फेज में, क्योंकि क्या होता है कि जो स्टडी स्टेट है वो मेंटेन रहती है। क्या क्या चीज़ें, अच्छा अगर हम देखना चाहें कि क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट बनी रहती हैं, हमने लिखा है ना कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, तो कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे कांस्टेंट बनी रहती हैं अगर हम देखना चाहें, तो देखिए वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट लगभग बना रहता है। क्यों कांस्टेंट कह रहे हैं, अगर हम लोग एक फर्मेंटर यहाँ पे देखें, एक रफ एक स्केच में कर दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ से जो फीड आप डाल रहे हैं या इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट्स वगैरह होंगे, तो जो आप जिस फ्लो रेट से यूज़ कर रहे हैं, जिस फ्लो रेट को यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए ये फ्लो रेट एफ है, तो यही इसी फ्लो रेट से आप बाहर भी तो निकालेंगे चीज़ों को, अनलोड भी तो करेंगे, रिमूव भी तो करेंगे, तो इसको क्या कह रहे हैं, यही फ्लो रेट यहाँ भी यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि लगभग जो वॉल्यूम है वो बराबर बना रहता है। सपोज ये इतनी वॉल्यूम आपने यूज़ की है, तो यही वॉल्यूम जो पहले था वही बाद में भी बना रहता है, क्योंकि फ्लो रेट जो दोनों तरफ है वो इक्वल है। अब आइए ग्रोथ रेट की बात करते हैं। देखिए क्योंकि बराबर इसमें मीडियम में न्यूट्रिएंट्स का एडिशन हो रहा है, तो जो माइक्रोब्स जो इसके अंदर ग्रो कर रहे हैं उनका ग्रोथ रेट जो है वो बराबर एक ही सेम ग्रोथ रेट बना हुआ है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर क्या होता है, ये वाला जो फेज है ये लॉग फेज जो है, ये लॉग फेज ही तो आपका बेसिकली जो कंटिन्यूअस कल्चर में हम कोशिश करते हैं कि ये लॉग फेज मेंटेन रहे।
क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो एक समान बनी हुई है, लगातार ग्रोथ हो रही है, तो इस कंडीशन में ग्रोथ रेट जो है वो भी स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट बनी रहती है। आइए सेल डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। सेल्स बराबर बन रहे हैं, सेल्स बराबर प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट यहाँ पे सेल्स जो बन रहे हैं उनको आप जब आप इसमें से निकालते हैं सेल्स को, यानी कि जो भी लिक्विड है आप इसमें से वापस निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, सेल्स भी तो निकलेंगे। तो जो सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लगभग लगभग बराबर, उस सेल्स का कंसेंट्रेशन लगभग लगभग बराबर बना रहता है। और ये हम कर क्यों रहे हैं, बेसिकली हमारा काम क्या है, क्योंकि कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो लॉन्ग टर्म होते हैं, बहुत लंबे समय तक हमें चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, तो ये कंटिन्यूस कल्चर यूज किया जाता है। ये बात हो गई। अब मेटाबोलाइट कंसेंट्रेशन भी स्टेडी या कांस्टेंट बना रहता है। क्यों? अब जो इसके अंदर जो माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं, जो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब सेल की डेंसिटी बराबर है तो जो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम बराबर इसमें से चीज़ें वापस इल्यूट आउट भी तो कर रहे हैं, तो इस वजह से जो मेटाबोलाइट कंसेंट्रेशन है वो भी स्टेडी बना रहता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं दोबारा एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। यहाँ पर हम लॉग फेज की बात कर रहे हैं इसलिए। अब इसमें मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से हम जो कंटिन्यूस कल्चर है इसको किस तरीके से किया जाता है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, एडिशन ऑफ फ्रेश इन्फ्लुएंट सॉल्यूशन। इसमें हम लगातार इन्फ्लुएंट सॉल्यूशन में क्या हो गया, जो मीडिया जो कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए चाहिए वो लगातार हम इसमें इनपुट करते चले जाते हैं। फेड बैच कल्चर जब हमने समझाया था तब भी आपको समझाया था कि उसमें इंटरमिटेंट बीच बीच में, सपोज करिए 3-3 दिन का ड्यूरेशन लेकर के हम उसमें मीडिया डाल रहे हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, लगातार एडिशन ऑफ फ्रेश इन्फ्लुएंट सॉल्यूशन, लगातार इसमें कुछ फ्लो रेट से, लगातार इसमें जो भी फ्लो रेट आप मान लीजिए जैसे कि 3 लीटर है एक दिन में या 2 दिन में, लगातार इसमें जो इन्फ्लुएंट है वो अंदर जाता रहता है, इंटरमिटेंट नहीं होता, लगातार जाता रहता है, और उसी फ्लो रेट के साथ विड्रॉल ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो यहाँ से जो इक्वल वॉल्यूम जिस जितना फ्लो रेट हो रहा है उतना ही वॉल्यूम सॉल्यूशन को जो बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है वो भी समझते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एक ओपन सिस्टम है, अनलाइक द बैच कल्चर एंड द फेड बैच कल्चर दैट वी हैड सीन अर्लियर। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वो क्लोज सिस्टम था। क्यों? क्योंकि मास को हम वहाँ पे मास को इंट्रोड्यूस तो कर पा रहे थे फेड बैच में, बट क्या उसको वापस भी निकाल पा रहे थे, नहीं ऐसा नहीं था। तो हमने कहा था जब भी सिस्टम की जब हमने बात की थी तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम को हमने इस तरीके से कुछ डिफाइन किया था और कहा था कि मास अगर ये समझाया था, ये अगर सिस्टम है, इसको अगर हम एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, इसको अगर एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं और मास जो है वो अंदर और बाहर आ जा सकता है, और ये बाहर क्या है, ये जो बाहर है दिस इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्स, इसको बाहर यूनिवर्स कंसिडर कर लेते हैं, तो मास जो है वो बाहर से अंदर भी आ रहा है और अंदर से बाहर भी जा रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। तो यही तो यहाँ पे हो रहा है, ये ओपन ही सिस्टम तो है। क्यों? क्योंकि हम लगातार फ्लो रेट के हिसाब से सॉल्यूशन को इनफ्लो करवा रहे हैं और आउटफ्लो भी करवा रहे हैं, तो मास जो है वो अंदर भी जा रहा है बाहर भी जा रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन ओपन सिस्टम, इसीलिए इसको ओपन सिस्टम कह रहे हैं। अब समझने की बात क्या क्या है, अक्सर कंफ्यूजन होता है कि इन्फ्लुएंट सॉल्यूशन क्या क्या होगा। इन्फ्लुएंट सॉल्यूशन में जो फ्लो अंदर कर रहा है, इन्फ्लुएंट मतलब जो अंदर फ्लो कर रहा है वो, यानी कि ये वाला जो ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये अंदर फ्लो कर रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वो न्यूट्रिएंट्स होंगे, और न्यूट्रिएंट्स और सबस्ट्रेट जो जो चीज़ें आपको ग्रो करवाने के लिए चाहिए उस बैक्टीरिया को या उस माइक्रोब को, वही चीज़ें आप तो इन्फ्लुएंट करेंगे, तो वो हो गया। और इफ्लुएंट क्या है, क्या क्या चीज़ें आप निकल के बाहर आएंगी, देखिए अब जो चीज़ें निकल के बाहर आएंगी उसमें ऐसा तो है नहीं कि आप अनयूज्ड या यूज्ड जो सबस्ट्रेट है वो आप निकाल पाएं, उसके साथ साथ क्या आएंगे, सेल्स भी आएंगे, मेटाबोलाइट्स भी आएंगे, वेस्ट भी आएगा और जो अनयूज्ड मेटाबोलाइट्स हैं, अनयूज्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी साथ ही में बाहर निकल के आ जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो एफ्लुएंट के फॉर्म में, यानी कि जो चीज़ें आपको रिमूव करनी है उसके फॉर्म में निकल के बाहर आ जाएंगी। फिर से मैं एक चीज़ एम्फोसाइज करना चाहूँगा कि ये परपेचुअल फीडिंग प्रोसेस है। परपेचुअल मतलब लगातार इसमें हम जो मीडिया है वो फीड करवाते रहते हैं, इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज परपेचुअल फीडिंग प्रोसेस। और इसी वजह से दिस इज व्हाई वी हैव कंटिन्यूअस प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट। इस कंटिन्यूअस कल्चर में सारी चीज़ें अच्छी हैं,
क्योंकि यहाँ पे हमको लगातार कंटिन्यूअस प्रोडक्टिविटी मिलती रहती है, आउटपुट मिलता रहता है। बैच कल्चर में क्या होगा कि फेड बैच कल्चर के साथ क्या है कि आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद जाकर के उसमें मीडिया ऐड नहीं कर सकते, रिमूव तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। बैच कल्चर के साथ क्या था कि वहाँ पर भी लगातार चीज़ें, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि रिएक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो ख़त्म होती चली जाएगी, चीज़ें स्टेशनरी फेज में आएंगी, फिर डेथ फेज में आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्रीज़ करने लगते हैं, और मीडिया जो है यानी कि जो फूड है बैक्टीरिया के लिए वो डिक्रीज़ करने लगता है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम लगातार मीडिया दे रहे हैं इसलिए प्रोडक्टिविटी जो है वो कंटिन्यूस है और आउटपुट अच्छा मिलता है। बट सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको स्टेरिलिटी मेंटेन करने में या एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मेंटेन करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई भी और बैक्टीरिया या कोई भी और माइक्रोब जिसको आप नहीं चाहते हैं वो पहुंच गया तो आपका पूरा रिएक्शन जो है, पूरी इतनी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंटिन्यूस कल्चर। ये मेरी तरफ से कंटिन्यूस कल्चर का वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ टेलीग्राम पे और हमारी वेबसाइट पे भी जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।